Hello and hi, welcome to the Chronicles YouTube platform. My name is Alok Singh and today we are going to discuss a topic that is related to Cyclone Megon. दोस्तों क्रॉनिकल्स के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका एक वार्म वेलकम है. मेरा नाम है आलोक सिंह और आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि साइक्लोन मेकॉन से रिलेटेड है. दोस्तों ये टॉपिक हमारे GS UPSC के GS के पेपर वन यानी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है. इस टॉपिक से रिलेटेड एवरी नाउ एंड देन UPSC और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामिनेशंस में रेगुलर बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं. तो ये टॉपिक एज अ केस स्टडी इसको हम डील करके अपने ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट्स को जो है स्ट्रेंथन करेंगे. दोस्तों ऐसे यू नो कि साइक्लोन मेकॉन जो है पिछले 2-3 दिनों से हम इंडिया के सदर्न स्टेट में क्वाइट डिवास्टेटिंग इफेक्ट लेके आया है. तमिलनाडु के चेन्नई जैसे सिटीज में और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द तमिलनाडु के जो भी सिटीज उसमें हैवी रेनफॉल का एक रीज़न बना हुआ है. एंड साथ ही साथ इसके जो इम्पैक्ट हैं वो आंध्र प्रदेश अलॉन्ग विद सर्टेन पार्ट ऑफ द उड़ीसा में भी इनका इम्पैक्ट पड़ने वाला है. अप टिल नाउ अराउंड 6 पीपल हैव डाइड ऑल बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन. 6 लोगों की डेथ इस साइक्लोन की वजह से हो चुकी है जिसमें से 3 डेथ ऐसी हुई हैं कि इन साइक्लोन की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उसकी वजह से जो है 3 इंडिविजुअल्स मरे हैं. तो इन टोटल 6 इंडिविजुअल्स हैव डाइड और मास इवैक्यूएशन किया गया है. 10,000 के अराउंड इंडिविजुअल्स को जो है सेफर प्लेसेस पे जो है इवैक्यूएट करके उनको मूव कराया गया है. ये साइक्लोन जो है इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये प्रेडिक्ट किया था कि बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर जोन डेवलप हो रहा है, एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है और अगर इसका इंटेंसिफिकेशन अगर होता है तो ये लो प्रेशर एरिया एक सीवियर साइक्लोन में जो है तब्दील हो जाएगा. एंड दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि इस साइक्लोन के अकर होने से पहले ही जो है हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम्स हैं वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो है ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल या प्रोसीजर जो उनको फॉलो करना शुरू कर दिया था. एज यू नो कि साइक्लोन्स या ऐसे कुछ भी डिजास्टर रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं तो उनका एक डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पीपल पे, लाइफ पे, इकोनॉमी पे. एंड अगर इस डिजास्टर को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते तो इसके द्वारा अगर कॉज किया हुआ जो डैमेज है अगर उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं या मिनिमाइज कर लेते हैं तो एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव माना जाता है. तो उसी बिहाव पे जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम है उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल फॉलोअप किया कि जो भी इंडिविजुअल्स लो लाइंग एरिया में रह रहे थे और इन साइक्लोन्स की वजह से अगर रेनफॉल हो रही है तो वो लो लाइंग एरिया फ्लड प्रोन है तो उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया. शेल्टर होम्स बनाए गए जहाँ पे बच्चे बूढ़ों को जो है रिसाइड करने के लिए रखा गया. फूड स्टॉकिंग की गई है. साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के जो सोर्सेस हैं बीट एयर ट्रांसपोर्ट रोड रेलवेज इनको जो है कुछ टाइम के लिए जो है हॉल्ट कर दिया गया ताकि डैमेजेस मिनिमम हो. तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने फॉलो किया है. नाउ कमिंग टू द साइक्लोन अराउंड December 1 में जो है बे ऑफ बंगाल में जो एक डिप्रेशन कॉज अप हुआ और ये डिप्रेशन जो है इंटेंसिफाई होके अराउंड December 3 के टाइम पे जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो गया. अभी हम देखेंगे कि साइक्लोन इन डिटेल होता क्या है, इसके कॉजिटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, इनकी नेमिंग कैसे होती है और क्या क्या प्रिमाइसिबल फेवरेबल कंडीशंस होते हैं जिसके बिहाव पे साइक्लोन अकर होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे. अभी हम इस न्यूज़ से रिलेटेड आइटम को डिस्कस कर लेते हैं. ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है जनरली 61 से 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर विंड ब्लो कर रही होती है तो उसको जो है हम साइक्लोनिक स्टॉर्म में कैटेगराइज करते हैं. एंड फर्दर जब इसकी स्पीड और एनहेंस हो जाती है यानी कि अराउंड 88 to 117 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो उसे हम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगराइजेशन में रखते हैं. एंड बियॉन्ड दैट अगर स्पीड 221 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाए तो उसे जो है हम सुपर साइक्लोन का नाम देते हैं, राइट. तो ये जो आपकी साइक्लोन मेगजॉम है इसको जो है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगराइजेशन में रखा गया है क्योंकि इसकी स्पीड अराउंड 100 to 110 किलोमीटर पर आवर है. ये साइक्लोन जो है बे ऑफ बंगाल में ओरिजिन हुआ है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू मेक अ लैंडफॉल यानी कि ये सबसे पहले जो आंध्र प्रदेश में हिट करने वाला है उस जोन को जो है लैंडफॉल बोलते हैं जहाँ पे जिस लैंड एरिया पे साइक्लोन हिट करेगा, राइट. तो उसको लैंडफॉल बोलते हैं. और ये साइक्लोन क्योंकि एक हैवी स्पीड से ब्लो कर रहा है अपने साथ बहुत सारे विंड्स और क्लाउड्स और रेनफॉल लेकर कैरी करेगा तो ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द तमिलनाडु अलॉन्ग विद सदर्न पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड सर्टेन रीजन्स ऑफ उड़ीसा को जो है इम्पैक्ट करने वाला है, राइट. और इसी की वजह से ये जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा. तो
ये सारी जो है न्यूज रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं जो इस साइक्लोन मेकॉन से रिलेटेड है। ये साइक्लोन मेकजॉन टर्म जो है इसको जो है म्यांमार ने डेवलप किया है, इसको जो है म्यांमार ने नेमिंग की है, और इस टर्म का मतलब होता है स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस अलोंग विथ फ्लेक्सिबिलिटी। ऑल दो स्पेलिंग जो है मेकोंग आपको लग रही होगी, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है मेगजोम किया जाता है, और इसको जो है म्यांमार ने नेमिंग की है। अभी फर्दर हम आप इसका अपने डिस्कशन में देखेंगे कि इन साइक्लोन्स की जो है नेमिंग अराउंड द वर्ल्ड कैसे होती है। फॉर द टाइम बिंग हम इस न्यूज़ रिलेटेड आइटम को देख चुके हैं, लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि आखिर ये साइक्लोन्स होता क्या है। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई साइक्लोन्स? अगर आपसे जोग्राफी में पूछा जाए कि साइक्लोन्स होता क्या है, तो आप साइक्लोन्स के बारे में क्या बताएंगे? तो साइक्लोन जनरली जो है अ स्ट्रॉन्ग विंड जो है अगर किसी लो प्रेशर एरिया के अराउंड मूव कर रही हो, एक स्ट्रॉन्ग विंड अगर एक लो प्रेशर एरिया के अराउंड जो है ब्लो कर रही हो, मूव कर रही हो, तो वो साइक्लोन कहलाता है। जैसे ये एक लो प्रेशर एरिया है, और क्योंकि ये लो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ एक वैक्यूम जैसी कंडीशंस डेवलप होगी, और इस लो प्रेशर एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए विंड जो है सराउंडिंग से इस लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेंगी, और इनकी स्पीड फर्दर जब इंटेंसिफाई होगी, और ये सीवियर ब्लोइंग ऑफ विंड जो है टुगेदर जिस लो प्रेशर एरिया पे, इनको जो है हम साइक्लोन बोलते हैं। तो बेसिकली साइक्लोन की डेफिनेशन क्या है? अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग विंड स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग अराउंड ए लो प्रेशर एरिया, उनको जो है साइक्लोन बोलते हैं। ये साइक्लोन टर्म जो है एक ग्रीक वर्ड है, साइक्लॉस, उससे जो है डेवलप किया गया है, इसकी नेमिंग जो है ग्रीक टर्म है साइक्लॉस, उससे डेवलप किया गया है। और इसका रीजन ये है कि साइक्लॉस का मतलब होता है कॉइल ऑफ अ स्नेक। सांप आप देखते हो, स्नेक कैसे देखते हो, ऐसे कॉइल बना के बैठा होता है, और साइक्लोन का शेप भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ऐसे देखें, तो ये ऐसे ही मतलब कॉइल ऑफ द स्नेक की तरह है। उसी बिहाव पे जो है इस साइक्लोन की नेमिंग जो है ऐसे साइक्लोन इसको बोला जाता है, ऑल बिकॉज ऑफ, क्योंकि ग्रीक वर्ड साइक्लोस से डिवाइस किया गया है। नाउ ये साइक्लोन जो है इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द कॉजेस जिसके बिहाफ पे साइक्लोन ओरिजिन होते हैं। इनको कैटेगराइज किया गया है ट्रॉपिकल साइक्लोन में, एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। साइक्लोन्स को जो है दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ऑल बिकॉज कि इसके पीछे कॉजिटिव रीजंस क्या है। यानी कि ट्रॉपिकल रीजंस कैसे अकर होते हैं? जनरली ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वार्मिंग ऑफ द सी सरफेस जब भी कोई एक लार्ज वाटर बॉडी होती है, जैसे कि सी हुआ, ओशन हुआ, अगर वहां की उस वाटर बॉडी के टेम्परेचर जो है ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस अगर हो रही है, तो वो एक कॉजिटिव फैक्टर होता है साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन के अकर होने का, तो उस इसको जो है हम ट्रॉपिकल साइक्लोन में कैटेगराइज करते हैं। वहीं अगर हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें, तो ये कॉज होता है ऑल ड्यू टू ऑक्लूजन और मीटिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म एयर। जब गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं, तो उसकी वजह से जो है ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है इसको टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं, इनका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, क्योंकि कॉजिटिव फैक्टर्स ये ट्रॉपिकल साइक्लोन में वार्मिंग ऑफ द सी सरफेस टेम्परेचर है, और दूसरे में आपका जो कोल्ड और वार्म एयर जब मिलती हैं, तो टेम्परेट या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। तो इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी इन्हीं प्रिजम्पटिव जो कंडीशन है उनके बिहाव पे बेस्ड हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कंसिडर, ये एक अर्थ है, ग्लोब ऑफ द अर्थ, और इसको हमने ऐसे स्फेरिकल शेप में रखा हुआ है। इक्वेटर जो है आपको अर्थ को जो टू इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करता है, एंड टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर ये आपका जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और सदर्न हेमिस्फीयर पे आपका जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है,
नाउ एस यू नो कि जो सन की रेज हैं वो सेंटर पार्ट ऑफ द यानी कि प्लेसेस नियर टू इक्वेटर, यहाँ पे जो रेजेस जो डायरेक्ट पड़ती हैं और यहाँ पे हीटिंग उसी कंडीशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो एक सूटेबल ग्राउंड बनता है हीटिंग की वजह से कि यहाँ पे जो भी वाटर बॉडीज लोकेटेड हैं वो उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं राइट, जो हमने देखा कि वो सी सरफेस टेम्परेचर अगर उनका 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, तो इनकी अकरेंस भी इन्हीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में होती है, यानी कि ये जो फेनोमेना है अर्थ के इन्हीं हेमिस्फीयर्स में लोकेटेड है। रेदर अगर हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें यानी कि टेम्परेट साइक्लोन्स की बात करें जो कि कोल्ड और वार्म एयर के मीटिंग की वजह से या उनके ऑक्लूजन की वजह से होती है, तो वो बियॉन्ड दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बियॉन्ड दिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होती हैं। एज यू नो कि पोल की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं राइट, पोलर रीजन्स की वजह से ठंडी हवाएं और यहाँ से जो है वार्म एयर होती है, तो इनका जब मीटिंग होता है तो वो टेम्परेट साइक्लोन कॉज होता है राइट। तो इनका जो लोकेशन अराउंड दिस एरिया है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की हम बात करें तो इट इज एसेंचुएटेड अराउंड बिटवीन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एज वेल एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मोर स्पेसिफिक एरिया क्लोजर टू द विसिनिटी ऑफ इक्वेटर। तो यहाँ पे जो है साइक्लोन जो है अराइज होते हैं। तो हमने अब तक देख लिया कि साइक्लोन्स क्या होते हैं, उनको डिफाइन कैसे किया जाता है, किस टर्म की वजह से इनकी नेमिंग रखी गई है, एंड बिसाइड्स साइक्लोन जो है किन दो पार्ट्स में किन दो कैटेगरीज में इनको कैटेगराइज किया गया। फर्दर जो सूटेबल ग्राउंड है, क्योंकि हम सिर्फ आज ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें, साइक्लोन मैगजॉम की बात कर रहे हैं, तो हमारा फोकस जो है आज एसेंचुएटेड सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन पे होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि क्या क्या सूटेबल फैक्टर्स हैं जिसके वजह से जो है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर होता है। तो हमारी एनसीईआरटी जो है फिजिकल ज्योग्राफी जो हम पढ़ते हैं उसमें 5 फैक्टर्स दिए गए हैं जिसकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर होता है। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और जो वाटर बॉडी हो वो कंपेरेटिवली लार्जर हो, लार्जर वाटर बॉडी राइट। इस लार्जर वाटर बॉडी का जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो एक सूटेबल फैक्टर है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। बिसाइड जो सेकेंड फैक्टर है ट्रॉपिकल साइक्लोन के कॉज होने का वो होता है कोरियोलिस फोर्स। अभी कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, एज यू नो कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, और इस रोटेशन की वजह से जो एयर है एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो इन सर्कुलेशन आता है, और उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, और उसी फोर्स को जो है हम कोरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि कोरियोलिस ने ही इसको डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नेमिंग के बिहाफ पे इस फोर्स को जो हम कोरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं, और एक सूटेबल फैक्टर होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन की डायरेक्शन और उसकी मूवमेंट के लिए। एज यू नो कि अगर आपने कोरियोलिस इफेक्ट ज्योग्राफी में पढ़ा हो कि कोई भी बॉडी अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्रॉम पोल टुवर्ड्स इक्वेटर मूव कर रही है राइट, तो वो अपने राइट हैंड डायरेक्शन में जो है मूव कर जाएगी राइट, एंड सेम कंडीशन अपोजिट है वाइसा वर्सा अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर में रन कर रही हो। तो इसीलिए जो है ये आपका यू नो कोरियोलिस फोर्स जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए एक वन अमंग द कॉजिटिव फैक्टर्स है। बिसाइड्स दैट एक प्रियर कंडीशन होनी चाहिए लो प्रेशर एरिया के लिए, प्रियर कंडीशन फॉर लो प्रेशर। ऑलरेडी जहां पर भी साइक्लोन अकर होने वाला वहां पहले से ही लो प्रेशर एरिया जो है डेवलप होना चाहिए। एज यू नो कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन जो मैगजॉम अराइज हो रहा था तो एक डिप्रेशन क्रिएट हो रहा था राइट, और इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है, एक डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है जो इंटेंसिफाई होकर साइक्लोन बन सकता है। तो तीसरा फैक्टर जो है ये कि एक प्रियर आपकी जो लो प्रेशर जो है यू नो कंडीशन होनी चाहिए। और जो चौथा फैक्टर इस ट्रॉपिकल साइक्लोन के अकर का होने का है वो है स्मॉल वेरिएशन और मिनिमम वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड। जहां भी साइक्लोन अराइज हो रहा है राइट, वहां पे एक कामर कंडीशन हो यानी कुछ बहुत ज्यादा चेंज या ड्रास्टिक चेंज ना हो, और इसीलिए जो है वर्टिकल विंड स्पीड जो है बहुत ही मिनिमम या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज हो। एंड द फिफ्थ कंडीशन जो है हॉरिजॉन्टल डाइवर्जेंस। अबव अ सर्टेन हाइट, क्योंकि साइक्लोन
ट्रोपोपोज को कॉज नहीं करता, तो रफली अराउंड 12 किलोमीटर के अराउंड उस हाइट पे जब ये साइक्लोन्स के क्लाउड जो होते हैं या जो वेंट्स पहुंचती हैं उनका जो हॉरिजॉन्टल डाइवर्जेंस होना जो है एक सूटेबल कंडीशन होता है। तो बेस्ड ऑन दिस 5 क्राइटेरियाज, इन 5 क्राइटेरिया के बेस पे जो है साइक्लोन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर होता है। तो इनको हम वन बाई वन देखते हैं कि आखिर होता है क्या है, कैसे ये साइक्लोन के जो फेनोमेना है वो लैंडमास पे या सी सरफेस पे जो है अकर होता है। तो एज यू सी इन द मैप, इंडिया का एक रफ मैप है, यहाँ पे आपकी बे ऑफ बंगाल है, वाटर बॉडी जो है आपकी लोकेटेड है, एंड दिस साइड यू सी अरेबियन सी, इस साइड पे आपकी अरेबियन सी है। एंड सिंस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को ऑलमोस्ट जो है यू नो पासिंग फ्रॉम राजस्थान एंड गुजरात, यहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, राइट, एंड बिलो इंडियन लैंडमार्क समवेयर यहाँ से जो है इक्वेटर पास होती है। तो एक तो सूटेबल ग्राउंड है कि यहाँ से सन रेज डायरेक्टली जो है ऑलमोस्ट हीट करती होंगी, यहाँ पे सन की रेज प्रोबेबल कंडीशन में मिलती होंगी, जिसकी वजह से जो ये यहाँ की वाटर बॉडीज है बे ऑफ बंगाल में जो वाटर लोकेटेड है उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलती होगी जिसकी वजह से हीटिंग हो रही है। तो जैसे ही सन लाइट यहाँ पे इन वाटर बॉडीज पे पड़ेगी एडिक्वेट अमाउंट यानी कि ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस पे जब यहाँ इस वाटर बॉडी का टेम्परेचर होता है तो वाटर इवोपरेट होके ऊपर की तरफ मूव करने लग जाता है क्योंकि लोअर डेंसिटी हो जाती है, राइट। तो लोअर डेंसिटी होने की वजह से जो वाटर जो है ऊपर की तरफ मूव होने लगता है और ये रीजन जो है यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है, एक लो प्रेशर एरिया यू नो डेवलप होता है, ऑल बिकॉज की वाटर जो है इवोपरेट होके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, राइट। यहाँ पे एक लो प्रेशर कंडीशन जनरेट होगी, राइट, और इस लो प्रेशर की वजह से एक वैक्यूम टाइप कंडीशन यहाँ पे बिल्डअप होती है, राइट, यहाँ पे एक वैक्यूम टाइप कंडीशन बिल्डअप होती है और इस वैक्यूम को कवर करने के लिए जो सराउंडिंग विंड्स हैं वो जो है इस तरफ मूव करते हैं उसको ऑक्यूपाई करने के लिए। और क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, राइट, हमारा जो अर्थ का लैंडमास या बे ऑफ बंगाल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ऑल बिकॉज ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट ये अपने राइट हैंड डायरेक्शन ऐसे जो विंड्स का जो मूवमेंट होने लग जाता है और एक ऐसा यू नो सर्कुलर फॉर्म ऑफ विंड जो है अराउंड अ लो प्रेशर एरिया जो है अकर हो जाता है। और अनफर्दर जैसे ही ये विंड्स ऊपर की तरफ मूव करती हैं, राइट, ग्रेजुअली इनका मूवमेंट जब ऊपर की तरफ होते हो तो एज यू नो कि विंड्स जैसे ही ये आपकी वाटर वेपर जो भी इवोपोरेट होकर मूव ऊपर कर रही हैं, राइट, तो इनकी एडियाबेटिक कूलिंग होती है, जो भी टेम्परेचर कंटेन कर रही है तो इनकी एडियाबेटिक कूलिंग हो रही होती है और एक सर्टेन टाइम के बाद एक सर्टेन हाइट के बाद ये विंड्स जनरली जो है हैवियर हो जाती है, कूलर हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है और फर्दर ये एक पर्टिकुलर रीजन पे जो है सबसाइड करने लग जाती है, राइट, ऐसे नीचे की तरफ मूव करने लग जाती है क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे एक हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है और ये फिर हाई प्रेशर से ये जो लो प्रेशर वाला एरिया है यहाँ पे इनकी मूवमेंट हो जाती है। सिमिलरली इस साइड पे भी विंड जो है अपना ब्लो करती हैं, कूलर होती है, इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है एंड ग्रेजुअली ये सबसाइड करती हैं। तो ये एक पूरी साइकिल दोनों साइड पर जो है साइक्लोन के जो है लो प्रेशर एरिया के अराउंड जो अकर होने लग जाती है एंड ग्रेजुअली एज ये विंड्स जब ऊपर होती हैं क्योंकि वार्मर गर्म हवाएं होती हैं जो ऊपर की तरफ मूव करती हैं तो जो एयर में मॉइस्चर कंटेन्ड होता है, राइट, उस मॉइस्चर को भी ये विंड अपने साथ कंटेन करती हैं और एक क्लाउड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, क्वेलीज करती है एक दूसरे के साथ क्लब अप होकर क्लाउड फॉर्म करती हैं एंड जब फर्दर कूलिंग होती है तो कंडेंसेशन की वजह से रेनफॉल जैसी कंडीशन जो है यहाँ पे डेवलप होने लग जाती है। अब क्योंकि गैसेस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो एज यू नो कि जैसे ही स्टेट का किसी भी स्टेट का दूसरे उसमें कन्वर्जन होता है यानी कि लिक्विड का गैस में चेंज हुआ है, गैस का लिक्विड में चेंजेस हुआ तो हीट मतलब उससे जो है हीट जो है बाहर निकलती है जिसको हम जो है लेटेंट हीट बोलते हैं, राइट, इसकी वजह से हीट जनरेट होती है यानी कि वेपर जो है ये क्लाउड जब कंडेंस होकर वाटर के फॉर्म में आते हैं तो उसकी वजह से हीट फॉर्म होती है और उसे जो हम लेटेंट हीट फॉर्म करते हैं और ये लेटेंट हीट जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह सर्व करता है इस साइक्लोन के लिए जो फर्दर इंटेंसिफाई करता है इस साइक्लोनिक मूवमेंट को, यानी कि इस हीट की वजह से जो सराउंडिंग एयर एटमोसफियर में है वो भी हीटअप होता है, राइट, और जैसे ही वो हीटअप होगा एक लो प्रेशर की कंडीशन जनरेट होगी और ये साइक्लोन फर्दर जो है इंटेंसिफाई होता है एंड
जो तीसरा चौथा जो क्राइटेरिया हमने देखा था कि वर्टिकल जो आपकी विंड स्पीड है इनकी जो है और ऑलमोस्ट मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि लो अमाउंट ऑफ डिस्टरबेंस होना चाहिए। अब ये साइक्लोन ऐसे मूव कर रहा है, स्पाइरल शेप में ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, तो ये जो विंड की कंडीशन है राइट, यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंज होना नहीं होना चाहिए, मिनिमम कंडीशन हो ताकि कुछ ऑपरेसिंग ना सर्व हो। तो ये एक चौथा क्राइटेरिया ही होता है। एंड बिसाइड्स एक सर्टेन हाइट के बाद जाने के बाद इन विंड्स का जो है हॉरिजॉन्टल डाइवर्जेंस होता है राइट, तो ये एक प्रोबेबल कंडीशन सर्व करती है साइक्लोन की बिल्डिंग के लिए। एंड बियॉन्ड दैट, क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट जो है, कोरियोलिस फोर्स जो है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो इस विंड का मूवमेंट, इस साइक्लोन का मूवमेंट भी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन हो रहा है राइट। तो ये अमॉन्ग द कॉजेटिव फैक्टर्स हैं जिसके बिहाफ पे जो है साइक्लोन अकर होता है। ये यू कैन सी इन दिस इमेज की एक वर्टिकल सेक्शन है साइक्लोन का, जिसमें जो है यहाँ पे एक लो प्रेशर कंडीशन जनरेट होती है, और वो जो लो प्रेशर वाला कंडीशन का जो रीजन है उसको आई बोलते हैं। यहाँ पे कंपेरेटिवली यू नो कामर कंडीशंस होती हैं, और यहाँ सराउंडिंग में जो हाई प्रेशर होता है, और विंड्स हीटअप होने के बाद ऐसे अपराइज करती हैं, और फिर इनका जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल डाइवर्जेंस होता है राइट। एंड लेटर यहाँ पे जो ये क्लाउड का फॉर्मेशन करती है, मोर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का जो है फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से जो रेनफॉल्स होती है। और ये विंड जो है, ये जो साइक्लोन है, एट हायर स्पीड अराउंड अगर 110 या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ब्लो अप कर रहा है, तो इसको सीवियर साइक्लोन बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्टिकल विंड स्पीड, क्या पांच रीजंस थे जिसकी वजह से जो है ये साइक्लोन अकर होता है। दीज आर द फाइव फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है, ये एवरी नाउ एंड देन मेन्स एग्जाम में पूछा जाता है, या इन्हीं फैक्ट्स को ट्विस्ट एंड टर्न करके जो है यू नो ट्रॉपिकल साइक्लोन से जो है क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। नाउ कमिंग टू द नेमिंग पार्ट ऑफ दिस साइक्लोन, जो साइक्लोन का नेम है इस बार जो है, जैसे मिगजॉम बोला गया है, तो इसकी नेमिंग कैसे होती है इस बार जो ये साइक्लोन मिगजॉम है, इसको जो है म्यांमार ने जो है इसकी नेमिंग की है। तो वर्ल्ड को जो है अराउंड 6 ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिस में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने डिवाइड किया है। जबकि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये वर्ल्ड के डिफरेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन प्रोन जो बेसिन्स हैं उनको जो है क्लासिफाई किया है, और उसके बिहाफ पे जो है रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स बनाए गए हैं राइट। और इन रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेट्रोलॉजिकल जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको मॉनिटर करना, और अगर ऐसे कुछ साइक्लोन्स अकर हो रहे हैं तो उनकी नेमिंग कैसे है उसके लिए भी ये एक प्रोसीजर डिवाइस किया गया है। तो इंडिया वाले रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स में जो है अराउंड 13 कंट्रीज हैं, दैट इज बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई एंड यमन। तो इन 13 कंट्रीज के विसिनिटी में जब भी कोई इंडियन ओशन या अरेबियन सी में कोई साइक्लोन अकर होता है, तो वन बाय वन ये कंट्रीज जो है इनका टर्न आता है साइक्लोन की नेमिंग का। तो एज यू नो कि इस बार जो साइक्लोन मिगजॉम आया है, इसकी नेमिंग जो है म्यांमार ने की है। तो ये कॉलम, लिस्ट ऑफ कॉलम जो है ऑलरेडी पहले से ही प्रिस्क्राइब किए गए हैं और उनकी नेमिंग की गई है। तो सीक्वेंस वाइज जब भी ऐसे कुछ साइक्लोन अकर होंगे तो उनकी नेमिंग होगी। जैसे इस बार म्यांमार का टर्न था, तो ये जो है साइक्लोन जो है मिगजॉम, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है मिगजॉम है राइट। तो ऐसे इनकी जो है नेमिंग की गई है, और ये कॉलम वाइज सारे नेम जो है वन बाई वन जो है यू नो मैंशन किए गए हैं। तो जैसे साइक्लोन्स आते जाएंगे उनकी नेमिंग इसी बिहाफ पे होती जाएगी। तो ये रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं जो इनकी जो है नेमिंग करते हैं बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिन है राइट। ये नेमिंग रखते वक्त जो है एक खास ख्याल रखा जाता है कि ऐसी नेमिंग ना की जाए जिससे कुछ किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या कुछ ऐसा यू नो नेगेटिव सेंटिमेंट जनरेट हो। जैसा कि इस बार का साइक्लोन मिगजॉम का जो मीनिंग है, ट्रू मीनिंग है, वो स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी है। तो बेस्ड ऑन दिस जो है इन साइक्लोन्स को जो लोकली नेम किया जाता है किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिन में। एंड बिसाइड्स दैट अराउंड द वर्ल्ड जो साइक्लोन्स हैं वो डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं राइट। जैसे कि इंडियन ओशन में एज इट इज इनको जो साइक्लोन से बोला जाता है, जैसे अभी हम साइक्लोन मिगजॉम की बात कर रहे हैं, अगर ये यूएसए और कनाडा के आसपास जो वाटर बॉडीज हैं उनमें अगर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर होता है तो उनको टॉर्नेडो बोलते हैं, और अगर कैरिबियन वाटर बॉडीज में अगर ये साइक्लोन अकर होते हैं तो उनको हरिकेन बोलते हैं। इन्हीं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को जो है हरिकेन बोलते हैं नियर बाई कैरिबियन वाटर बॉडीज राइट।
एंड नियर साउथ चाइना सी में अगर ये साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर हो रहे हैं तो इनको जो है टाइफून बोलते हैं. इन द रीजन लाइक चाइना, साउथ कोरिया एज वेल एज जापान, इन रीजन्स में अगर साइक्लोन अकर हो रहा है तो उनको जो यू नो टाइफून के नाम से जाना जाता है. एंड नॉर्दर्न एज वेल एज वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया में इनको जो है विली विली बोलते हैं. तो दीज आर द टर्म्स दैट आर क्वाइट ऑफन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. स्टेट पीसीएस में तो रेगुलर बेसिस पे इंटर्न्स पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये साइक्लोन्स की नेमिंग जो है अराउंड द वर्ल्ड किस रीजन में कैसे की जाती है, राइट. एक तो है आपके एनुअली जो साइक्लोन्स अकर हो रहे हैं तो उनकी लोकल नेमिंग कैसे की गई है, राइट. वो हमने देखा कि लिस्ट ऑफ आइटम्स दिए गए उनके बिहाफ पे जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिस है उनमें जो ये नेम्स मेंशनड है और वन बाय वन जो भी कॉलम्स में हर एक कंट्री का टर्न आता है और उस बिहाफ पे उनकी नेमिंग की जाती है. एंड ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी या ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो अक्रॉस द ग्लोब जो है साइक्लोन्स को हम डिफरेंट नेम से जानते हैं. जैसे साइक्लोन हमारे इंडिया में टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून एंड विली विली. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन. होप यू लाइक डिट. साइक्लोन में एग्जाम के बारे में एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, इतनी डिटेल नहीं थी लेकिन फिर भी हमने की फीचर्स को कवर अप करने की कोशिश की है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज. गुड लक एंड ऑल द बेस्ट.